ये कलाम को शेयर किया है अपने दूसरे चर्च में भी, दूसरा भी है लेकिन यानी दूसरे में चर्च में रूप हम एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही कलाम होगा, थोड़ा सा हो सकता है तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन खुदा की तरफ से वही कलाम है और हम सब उसी पर गौर करेंगे। यशाया के सहीफे में से हम पढ़ेंगे उसका 7 बाब उसकी 14 लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है कि खुदा हमारे साथ। आमीन। खुदा उनके पास लंबे पड़े सुने जन पर खुदा की खास बरकत नाजिल हो। खुदा का शुक्रिया पड़ी हो तुम बोले तो खुदा खुदा से जब नहीं चाहिए है वैसे, लेकिन आप जब बैठे तो मैनू तो सुनाई दे, हो सकता मैं बुढ़ा हो रहा है थोड़ा उच्चा सुनता हूँ। तो आप अभी आमीन का है ना, जब भी कलाम देखे एक हवाला पढ़ा गया था, जैसे अभी संभव शुरू होता है ना तो सवालत आते हैं और हम लोग गैर कौम वालों को भी अपने गिरजाघरों में लेकर जाते हैं और वहां पर जाके खातमों को फादर साहबान को जो भी होते हैं खातमी उनको बताते हैं ये क्रिश्चियन ही है, और जब खादम ने उनको पढ़ना होता है ना या फादर ने तो उनको कलाम दे देते हैं पढ़ो तरह, उनका पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, तो वो जैसे हम करते हैं खुदा उनके पाक पर पड़े उसमें जल पर खुदा पर तो वो ये नहीं कहते, वहां पर वो पकड़े जाते हैं कि ये गैर कौम पर। तो जैसे ये बात कही जाए ना तो आपको पता चलेगा ये खुदा के पाक पाकराम में से पढ़ा गया तो आमीन कहना है या खुदा की तमजीद। आमीन। तो ये बातें हैं जो हमने सीखनी है और समझनी भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम सीखे हुए हैं। जैसे हमने पिछली दफा पास्त हाली पर सुना था ना मैसेज, तो मैंने पास्त साहब को एक बात कही थी, आजकल कोई नहीं जो पास्त हाल, उन्होंने भैया को कहा ना तो कहते हैं आजकल बच्चे भी नहीं जो पास्त हाल, भैया तो बड़ी दूर दिया मिल रहा, कोई भी पास्त हाल नहीं है। तो आए खुदा के पाक पाकर में पढ़े उसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हमने कौन सी आज हवाला पढ़ा था, ये कहां पर लिखा गया था, क्यों लिखी गई है आयत, ये कोई ऐसा अतीत कलाम तो हम आज तक ले ही सुनते आए, ये क्या बात है क्यों लिखी गई, हालेलुया पास्टर साहब के लिए दुआ करता हूं। ये पेशेंट कोई है, जिसकी पेशेंट कोई है, जिसके वसीला से हम आज ये डेकोरेशन करते हैं घरों में, अपने ख्यालों में, बातों में, कामों में हम अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि उसकी पेशन गोई की गई थी जिसका सदियों से इंतजार था और तमाम लोग उसके इंतजार में अपने आप को तैयार करते हैं, और गुमराही में हम गिरे हुए थे, गुमराही में हम चल रहे थे, गुमराही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन जब खुदा के बेटे की पेशन गोई नजर आती है तो हम रोशनी में चलना शुरू करते हैं, हमें रोशनी नजर आती है और हम उसी रोशनी को मद्देनजर रखते हुए अपने तमाम तर कामों को खुदा की तरफ छोड़ते हैं। जैसे कि यशाया कहता है कि क्या होगा, लेकिन खुदावन आप तुमको क्या करेगा, निशान की है गोटे का निशान, कांटे का निशान, बचपन से खेलते हुए मेरा गोटी थे तेरा कांटा ही, हम खेलते होते थे, तो ये निशान नहीं बल्कि खुदा ने वो निशान दिया जो आपके गुनाहों को जो मरूसी चल रहे थे उनको मिटा दे। जब खुदा का बेटा इस दुनिया में आया उसका यही मकसद, हर एक का मकसद है, जैसे हम जानते हैं कि आज हम किस मकसद के लिए आया उन दसों के लिए मकसद आते हैं, इबादत करने और उसकी आवाज सुनने, हालेलुया, सबको पता चल गया ना खुदा का मकसद क्या है, आपको उठाकर लेकर आना, आज वो हम उनसे अच्छे हैं जो इस दुनिया से भी चले गए हैं और जो किसी मजबूरी या काम की वजह से नहीं आ सके,
आज जो हमने बरकत पानी है, जो हमने कलाम का हिस्सा हासिल करना है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने अपने वक्त में से हमें वक्त अता कर दिया। आज खुदा का निशान यह है कि खुदा इस दुनिया में अपने बेटे यीशु को भेजे। अभी ना बेटा है, ना मुकद्दसा मरियम है, ना कोई ऐसा। अगर हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की पेशनगोई यहां पर हुई और इतनी पुश्तों के बाद खुदावंद यीशु मसीह आया, तो बता सकता है 14 पुश्तों के बाद। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाप उसकी 17 आयत में क्या लिखा है कि खुदावंद वाकई 14 पुश्तों के बाद आया। 17 आयत में पढ़ेंगे, पर सब पुश्ते अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्ते हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्ते, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्ते थे। आमीन। इससे पहले जितने भी मरूसी गुलाम में मरे और खुदा ने जितने भी नबियों को, पैगंबरों को और रसूलों को भेजा, क्या वो दूसरी जगह पर गिर? वो दूसरी जगह पर। और जब खुदा का बेटा यीशु आया, उन सब कैदी रूहों को, उन सब लोगों को, जब जी उठा था, अब तो पैदा हुआ लेकिन जी उठने का भी आ गया, ये भी पेशनगोई की गई थी कि वो ही जो पैदा होगा वो ही जी उठेगा, और मरेगा भी और जी भी उठेगा, यह भी पेशनगोई की गई थी। और जैसे ही खुदा का बेटा आ गया, हम सब अपने दिलों को, अपने घरों को, अपने तमाम तर कामों में खुदा के बेटे को शामिल कर लेते हैं। बना यसूदा ते कपड़े अपने, अपनियां तैयारियां, अपने तोहफे देने ते लेने, हम करते हैं। ये दुनियावी जिंदगी है, इससे मैं नहीं भागता और ना भागूंगा, और हम सब ये सब काम करते हैं और कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे यशाया में लिखा है 9 बाब की, वहां पर ही रहना था यशाया 9:6। हाँ जी पढ़ो प्लीज। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब अमशीर खुदाई कादर अब्दियत कबाब और सलामती का शहजादा होगा। अमीन अमीन। अब जो सलामती का शहजादा, जिसकी हम हम्मत करते हैं, तारीफ करते हैं, वो कैसे उसको नाम बख्शा गया? कौन सा नाम? अजीब बशीर खुदाई कादर अब्दियत कबाब, सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा उसको कहा जाता है जो अमन पसंद हो, सुलह पसंद हो, मोहब्बत पसंद हो, दूसरों को प्यार बांटे और दूसरों से प्यार करे। और हम क्या करते हैं आजकल? दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, उनकी बात को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी बातों पर ऐसे एक बात होगी तो हमारे पास 100 जवाब होगा, एक नहीं, उस एक बात के बदले 100 बातें हम उसको सुना सकते हैं और बता सकते हैं। बड़ा आदम बढ़िया सब तो बड़ी यही गल है, सन मुस्कान खलोता है। पंजाबी तो असी शमूने जी अपनी मादरी जबान होती है, तो ऐसी ऐसी बातें उस आदम को या उस जो भी खिदमत करने वाला लोग हैं, मुबशर है, आदम है, एल्डर्स है, डीकन है, या कोई भी ऐसा रजाकराना तौर पर भी खिदमत कोई कर रहा है ना, उसको भी ऐसी बातें सुनाते। लेकिन यहां पर हम अमन और सुलह सलामती के शहजादे के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपने अंदर क्या करनी है हमें? सुलह सलामती रखना है, मोहब्बत रखना है, प्यार रखना है, दूसरों को नीचा नहीं करना बल्कि अपने से अफजल करना है। क्योंकि यीशु की यह दलील थी कि अगर तेरे गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी सूखे, किसी की ऐब जोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे खुदावन का ये भी कलाम था, जब वो पैदा हो गया उसके बाद उसने ये बातें सिखाई और बतलाई। जब खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए, उनके लिए क्या निशान ठहराया गया था? हमारे हमदर्द
एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब खुदा आपके साथ है, हमारे साथ है। खुदा क्या है? उसी खुदा को रख देना। एक पानी के चश्मे से मीठा निकलता है ना, जिसमें से मीठा ही निकलता है, खारा नहीं निकलेगा उसमें से। जब खारा निकलेगा तो वो पीवांगे भी नहीं, मिठिया नहीं, तो उसे लड़ाइया करांगे, ऐला दे रे हो ऐला पानी दे। और अब जो भी तैयारियां हुई है ना, वो एक दो पानी भी पानी के हवाले से आगे बातचीत। जो मीठा पानी है ना, वो हमेशा बरकतें देने वाला होता है, जिंदगी देने वाला होता है, वो है हमारा यीशु मसीह। आमीन आमीन। और हम उसी का जब कलाम पढ़ते हैं, मीठे तेरे कलाम दिया सच जान पा रहे हैं, सच्ची जान पा रहे हैं, तो वाकई ही उसका कलाम हमारे अंदर सच्ची जान डाल देता है जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं। लेकिन हम कहते हैं एक और पानी जी जरा पियांगे थे वो दलेर कर देता है, वो दलेर कर देता है, अक्सर मैं देखा है। लेकिन उनको अपनी माँ बहन का पता है, बाकियां नहीं जाना नहीं पता। तो मैं सोचता हूँ ड्रामे करते हैं, वैसे मैं सोचता हूँ वो ड्रामे करते हैं, जो अपनी बहन बहन माँ को पहचानते हैं ना, समझो वो ड्रामे नहीं। लेकिन उन्होंने एक ही छड़ी जाए ना, तो सारा ही ड्रामा उन्होंने खत्म हो जाता है। मैं इसका मैं वाह हूँ, मैंने ये बात की और भाई शबाज भी मेरे साथ। तो जो उनको फिर एकदम में हरकत आ जाती है, मैंने उसको एक ही लगाई थी कि यस्सु के नाम पर मैंने ठा लगाई थी, यानी कि मैंने प्यार किया था यस्सु के ना, किसी वक्त कोड़ा भी पड़ना पड़ता है। तो इसलिए हमें जब खुदा का कलाम सिखाया जाता है तो खुदा के कलाम में बुराई नहीं, खुदा के कलाम में अच्छाई है, पूरे लोगों को भी सीधा कर। हालेलुया हालेलुया। तालियों को भी बजाओ। जब हम जानते हैं कि ये जो मैंने पूछा था कि 14वीं पुष्ट के बाद यीशु मसीह आया, इतनी लंबी होगी दास्तान, ये तो 2000 साल पहले की पेशनगोई था, 4000 होगा, यानी 2000 साल पहले यीशु आया, उससे पहले 2000 कितना हो गया, 4। तो फिर तो वाकई 14वीं पुष्ट अहमियां गुजर गया, हमारे बाप चाचा ने भी यीशु को नहीं जाना होगा, लेकिन सुना था वो आएगा जो तुमको निजात देगा, तुमको खलासी देगा। लेकिन वो एक ऐसा नबी भी आ गया उससे पहले जिसने सिर्फ कौम बनी इसराइल को निजात दी, जिसने क्या किया था, कौम बनी इसराइल को निजात दी, और उसको वो सब जानते थे। और उस वक्त भी ऐसा निशान दिखाई दिया गया फिरौन को के तू एक ऐसा बंदा आएगा, एक ऐसा नबी आएगा जो कौम बनी इसराइल को अब्रानियों को खलासी देगा, वो था मूसा। और उस वक्त भी फिरौन के पास जब ये बात पहुंची तो उसने भी कहा एक से एक दिन के बच्चे से लेकर 2 साल तक बच्चों को क्या कर दो, कतल। उस वक्त भी बड़ा खून रहा, उस वक्त भी मेहरबानी नहीं हुई थी, बल्कि उसने भी वो खून के बदले अपनी कौम को छुड़ाया। लेकिन जिसके बारे में ये पेशनगोई की गई थी, उसके बारे में कहा गया था कि वो अपने लोगों को अपने खून से गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है ना, पहले बाप की 21 आयत पढ़े या 25 आयत, 21 आयत पढ़े, उसके बेटा होगा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। वो एक कौम के लिए आया ये, बल्कि हमें मुरूसी गुनाह से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। और जब हम मुरूसी गुनाह से बच गए, छुड़ाए गए, तो खुदा ने वो काम जाहिर किया कि सबसे पहले उसने गरीबों को, मुकस्सा मरियम को, यूसुफ को पहले ख्वाब में फरिश्ता मिलता है, दिखाई देता है, मुकस्सा मरियम से आके हम कलाम होता है। अभी तसलसल चलता रहेगा, क्योंकि कलाम क्रिसमस
क्रिसमस के लिए भी रखना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अभी पेशनगोई तक था। जब पेशनगोई पूरी होती है, खुदा का बेटा इस दुनिया में आ गया और हम सबों को खबर पहुंच गई। इससे पहले मुकद्दसा मरियम को खबर पहुंची, मगर फरिश्ता ने उससे कहा डरो मत। क्या कहा था? डरो मत। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2:10-11 आयत में लिखा हुआ है ये सारी खबर के, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी खुशी की बिशारत पर। खुशी के कम ओवर क्या होता है पता? जो सारी क्या है, एक तरह से नहीं, पूरी कायनात पूरी दुनिया से जिन्हें भी ने ना इंसान जिन्होंने उस आखिरी वक्त की बात को माना था ना मूसा की, मूसा सुनते थे कि मूसा खुदा का बंदा है, ये ही हमें छुड़ाएगा फलासी देगा, वो तो उसको यीशु ही समझते थे। लेकिन उसने कहा मैं वो नहीं। यूहन्ना भी, यूहन्ना के बारे में भी यही पेशन गोई की गई थी, लेकिन वो कहता है उसने भी इकरार किया, मूसा ने भी इकरार किया, लेकिन उसने मूसा ने एक हुक्म आखिरी दिया था आखिरी आफत पर। तमाम दुनिया के कलोठे यहूदियों को कहा था ना, उन्हों को जो फराउन की कौम को में से उनको कहा था मिस्र में एक ईलान बना दी करा दे, वो यही राही भोल ले ध्यान बना दी होने शुरू हो जाती है 10 हफ्तों के बाद ये आखिरी आफत है। और क्या कहा था? तमाम पलोठे आपके मर जाएंगे अगर तुमने हमें जाने ना दिया, हम खुदा की इबादत करें। और उसकी कोई डिमांड नहीं थी और कोई उसकी फरमाइश नहीं थी और कोई उसने आगे हुक्म नहीं दिया था, वो ही हुक्म दिया कि तू कौम बनी इसराइल को लेकर जा ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरे लिए कुर्बानियां करें, मेरे आगे झुके, मेरे साथ चले, मैं उनको बरकत दूंगा। क्योंकि खुदा ने उनके 400 साल तक क्या है मुसीबतें सहते देखा, अब उनकी फरियाद खुदा के कानों तक पहुंची। और जब फरियाद कानों तक पहुंची और जो हुक्म मूसा ने जारी किया था कौम अबरानियों को, खुदा की चुनी हुई कौम को, तो क्या कहा था? एक बड़ा जबा करो, अपने दरवाजों पर क्या कर दो, उसको निशान लगा दो, खून का निशान लगा दो, उस खून बर्रे के खून से। और जितने उन्होंने माना वो सारे बचे हर, क्योंकि वो जमाना फर्क सी हो नहीं, अब भी वही जमाना है। अब भी हम जानते हैं कि खुदा का बेटा हमारे लिए कुर्बान होगा, वो आएगा, और इसलिए तो हम उसके लिए तैयार हैं, इसलिए हम उसकी पेशनगोइयों को देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। और ये पेशनगोई मुकद्दसा मरियम को क्या हुई? बड़ी खुशी की बशारत देता। और आगे यार भी आपने क्या लिखाया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या है, ओदे वास्ते कोई हो वही सी, एदे वास्ते कोई हो मुनजी का मतलब की बचाने वाला, छुड़ाने वाला, साथ रहने वाला, आपको मुखलसी देने वाला और आपको रहाई देने वाला। हालेलुया, क्योंकि वो ही मुनजी की पेशनगोइयां पूरी होती है जो अजल से ज़बह किया हुआ बकरा, जिसके बारे में कहा गया था, जिसने खुद गवाही दी, जब इंसान मेरी बात नहीं मानते, खुदा के बेटे मेरी बात नहीं मानते, तो उसने अपने प्यारे बेटे को इस इंसानी शक्ल में इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, वो आपके लिए कुर्बानी देगा, वो आपके लिए इस दुनिया में आ गया। इन्हों आज कहूँ मैं ये समझता हूँ मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी थी, पर कहीं वर्क था, पैसे ही पैसे, सब हर कुछ था। जब मेरे ऊपर छोटी सी मुश्किल आई तो एक मुझे दूसरी नौकरी की ऑफर हुई, तो मैंने खुदा की रजा को मुंह, तो मैं कल अपने बेटे से भी ये शेयर करता था यार बस करना मेहनत मैं कह रहा था उसको मेहनत कहता
ये मेहनत है तो वो पहले वाली इजी थी ना, मैं को तो बहुत ही मेहनत ये तो है लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत है, इसमें भी मेहनत है, मैं कहा खून पसीने दिखाएंगे हैं, खुदा देगा तो हम इसी पर चलेंगे। तो ये मैंने खुदा की पाक मर्जी से, तो इसमें भी मुझे बरकत ही है, खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने लोगों को हमेशा जिनसे वादा कर देता ना पीछे नहीं हटता, ये पक्की बात है। मैंने फिर वही पलूस वाली बात आज मेरे जहन में आई, यार खुदावंत तू मेरे फखर को ना खो देना, मैंने तेरे ऊपर फखर किया है, तेरी पाक स्लीप पर फखर किया और तेरे बेटे पर ईमान रखा है जो हमेशा हमारे लिए भलाई करता है, जो हमेशा हमारे साथ साथ चलता है, जिसके वादे सच्चे और हाँ के साथ है, जो पेशनगोईयां 2000 साल पहले वाली हुई थी और पैदा हुआ था हमारा प्यारा खुदावंत यीशु मसीह 4000 साल पहले, 2000 साल पहले पैदा हुआ था, 2000 साल पहले पेशनगोई हुई थी, तो खुदा ने वो पेशनगोई अपने वक्त पर पूरी, वक्त से पहले कुछ पूरा नहीं था, गलतियों में लिखा हुआ है ना ये, वक्त पर उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि अपने लोगों को निजात दे सके, अपने लोगों के साथ चल सके, अपने लोगों की फरियाद को सुन सके। जब यूसुफ के घराने में से यीशु मसीह पैदा हुआ है, पेशनगोई पक्की है, सुनी नवे आत्मा में पूरी हो गया, मुकस्सा मरियम की बता दी है मैंने कि वो पेशन गई पूरी हुई, पैदा हो गया, बशारत दी, फरिश्ता ने आकर दी और अब वो यूसुफ के घराने से तलक रखना शुरू कर देता है। यूसुफ कैसे उसके घराने से तलक रखना, पालने वाला बाप होना चाहिए, दुनिया में ऐसे वो नाम माँ बाप के बगैर होता तो उसको क्या कर दिया, दूजा ही बच्चा दिया, लेकिन उसके लिए तरतीब दी, जैसे भाई यूसुफ ने कहा तरतीब का खुदा है, उसके लिए तरतीब दी, बाप चुना, मां चुनी, ताकि वो इस दुनिया में आए उस पर कोई उंगली ना उठा सके, ताकि कोई उस पर ऐब ना लगा सके, ताकि कोई उस पर कोई ऐसी गलती ना निकाल सके, वो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक इस दुनिया में आया। लुका की इंजील उसका दो बाप उसकी चार आए, जरा ऊपर ही ऐसे बाप थे, उठते चले जाओ क्या लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से किया हुआ था, दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदा में यहूदा में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था। आमीन। अब ये खुदावंद यीशु मसीह की जो घराने की आ गई है ना दुनियावी दुनियावी, अब वक्त पर उसको जाहिर करना था, वक्त पर उसको बताना था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, उससे पहले नहीं। अब ये घराने में पैदा हो गया यूसुफ, उसको अपना नाम देता है, मुकद्दसा मरियम से वो पैदा हुआ, कुआरी से पैदा हुआ, बशारत मिली, अब ये अब तरतीब का खुदा है। 30 साल तक होश रहा लेकिन खुदा के काम करता रहा, जब पैदा ही हुआ वो खुदा के काम करता रहा, गवाही दी, हर तरह की गवाही दी और हर तरह से अपने माँ बाप को दुनियावी माँ बाप को बचाता रहा। यीशु मसीह खुदावंद जिसको हम कहते हैं खुदावंद है, अगर हम उसको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तो हम ईमान रखते हैं कि वो ही खुदा का बेटा है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको खुदावंद कहा गया जितने भी नबी पैगंबर आए, लेकिन सिर्फ क्या है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये कलाम में लिखा गया है और वो आया और खुदा ने उसको जिस मकसद के लिए भेजा उसने वो काम किया। वो बात क्या था नहीं अब कल मैनू यार बॉस ने जल्दी बुलाया, उन्हें कहा तेरे बगैर होना ही नहीं चाहिए, सुनी भी पता ही है मेरे बगैर नहीं होना, रो रो के भी दुआवां कीतियां हैं, कुछ लोग ऐसे भी हमें ऐसे सवाल करते हैं यार तुसी उन्हें दी मां रखो ना, बाइबल से लिखा है रो रो के दुआवां कीतियां ते की एडा खुदा संग दे उसकी दुआ नहीं सुन। तो मैंने उनको यही कहा था कि प्लानिंग खुदा नहीं सी, वो पहले खुद रस्ते चीजा लिखी गई हम ऐसे वे दुनियावी होके ना जिसम रखते आया हुआ है काम कर रहा है, जब हम जिसम रखते हुए ये काम करते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि कल बास ने बुलाया ना जाओ जाना है, है? वो आपकी दुनियावी जिंदगी है, वो उसमें आपको बरकत मिलनी है, उसी के वसीला से खुदा ने आपको जॉब पर लगाया है, आपको मुल्क में बुलाया है और आप अच्छे तरीके से अपने घर का बंदोबस्त करते हैं और खुदा भी चाहता है कि मेरे घर का भी सोचे, जो क्रिसमस आने वाला ना जिन अपनी तैयारियां ने ना इधर भी सोचना चाहिए तो खुदा
देने वालों को देता है। और देखें खुदा वाकई हमें जो इस दुनिया में भेजता है, अमाल उसका 2 बाप उसकी 36 आयत में क्या लिखा है, अस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदावन ने उसी यसु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी कहा और मसीह भी। आमीन। अब जिनको उसने 30 साल के बाद तलीम दी उन्होंने ये गवाही दिया, यसु आया, यसु की पेशन कोई पक्की थी, यसु इस दुनिया में घूमता फिरता रहा 30 साल की उम्र में। जब यसु मसीह 12 साल की उम्र में था ना, आपको पता कहां पर था वो? हैकल में क्या कर रहा था? सवालों जवाब दे रहा था। पक्की फुर्सी मन्ने हुए इलम न पढ़े हुए कानून नु जानते हुए सीना बसीना उनके पास शरीयत है। सीना बसीना का पता है मतलब की है? मेरे सीने दे इधर जड़ा कलाम है ना वो मेरा ही, वो मेनू मिलया वो मैं अगे भी पहुंचा रहा दूसरे बंदे को, उन्हें भी अगे पहुंचा देता है। ऐसे सीना बसीना वो शरीयत थी उनके पास, आलम थे बड़े बड़े। और यसु मसीह 12 साल का, आज हम भी अपने बच्चों पर फख्र करते हैं कि हमारे बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं, इनके पास खुदा का कलाम है। हम तो इस उम्र में बढ़ाते थे समझते थे सानू मार मार के ना छोटे होते चर्च से जाने हैं मार मार के बिठाया जाता था अगले बढ़ो निशानियां नहीं करनी। आज हम बच्चों को हाथ भी लगाएंगे ना माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं किसी का इसके लिए आपको तो उस वक्त तो हमारे माँ बाप नहीं नाराज हुए थे बच्चों को, लेकिन खुदा का कलाम खिलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अभी मैं अपने बेटे की मिसाल दे सकता हूँ जवाब साहब की, मैं यार तेरे साथ में कहना वे कर नहीं सही सीखेगा ना काम, जब पढ़ना सीखना जानना नहीं करेगा तो मार ही नहीं मार के भी मारे नहीं मारेगा तो सुधरेगा ना तो ये जो बातें है ना सिखाने के लिए होती है, समझाने के लिए होती है। तो अगर उस्ताद मारता है, लेकिन खुदा के पाकलाम में भी लिखा हुआ है जिसको बेटा बनाता है उसे तंदी भी करता है। फिर तुम क्यों गुस्सा कर? मैं तो नहीं करता, लेकिन मैंने हुक्म किया हुआ था, मैं कह यार जब बिगड़ना जी जब बिगड़ो जब सुधरना जी सुधरो, लेकिन मेरे को मार खाओ। तो इसके लिए फिर टॉपिक से बाहर हो रहा हूं। अब हमने हवाला पढ़ा है, बस इसराइल का सारा घराना क्या कर ले, यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी किया। आ गए ना खुदावन, उस खुदा ने उसको खुदावन कहा था, उसने कहा कि यही खुदा है, यही आपके मसीह होकर गुनाहों को मिटाएगा और खत्म करेगा। जो मरूसी गुनाह आपका था वो खुदा के बेटे हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह ने खत्म किया, और हम ईमान रखते हैं कि ऐसा खुदा के साथ ही कर सकते हैं। और अमाल की किताब उसका 10 बार 36 आयत जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदा है। हालेलुया, ये देखे जो सबका खुदा है, ये जरा बाइबल में गौर से देखें, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी लिखा है, सबका खुदा है ब्रैकेट में है जी। क्यों ब्रैकेट? वो वाकई खुदा मुद है, कैद का छड़िया खुदा ही है, सब वो ही है, इधर अगे पीछे कोई नहीं। मैं बंद किया उन्हें ताकि यही खुदावंद है, आप इसको खुदावंद कह सकते हैं, इसके इससे आप मांग सकते हैं, इसकी आप जो है बंदगी कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं,
आप इसके साथ उठ बैठ सकते हैं, इमानुएल आपके साथ हो जाएगा। जैसे कहते हैं इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, इमानुएल आपके साथ हो जाएगा, यीशु मसीह आपके साथ। और आप ईमान रखे कि वो ऐसा है। और आगे पढ़े क्या है, सुलह की खुशखबरी दी, क्या की है? लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि सुलह करे और तमाम खुशखबरी पर ईमान लाए और खुदा का नाम इज्जत और जलाल दे। यीशु ने हुक्म किया था अपनी दुनियावी जिंदगी में कि जिसके पास तलवार नहीं वो तलवार खरीदे, जिसके पास क्या है तलवार नहीं तो कतल करने वास्ते आज करना लगे सुलह कर दे तलवार दाओ तुम। तलवार कौन सी है? टेक्नोलॉजी के अंदर है, यीशु मसीह की टेक्नोलॉजी तो मैं दसा की हजारों साल पहले भी गल्ला उसने अपनी आपकी सूरत मेरी सूरत कहां पर बनाई हुई है तो आज थे लिया थे। मेरा जो फार्मिंग करते हैं मैं बड़ी खुशी हुई मेरी तस्वीर आती है ना खत भी आती है। ये खुदा की टेक्नोलॉजी तो पहले की है, मोबाइल तो देखो पहले कुछ अज अस कहने हूं आया जी हूं का जमाना जे हूं जे तो मैं एप्पल ही चाहिए जी अज दुआ की तद परेशानी आई है, चल दुआ कर ले फिर परेशानी खत्म हो जाए होता ना। मैं अक्सर ये देखता हूँ मैं दुआ करके निकलता ना तो रास्ते मुझे क्लियर मिलते हैं, जब दुआ करके नहीं ना निकलता बिजी हो तो रास्ते बिजी हो जाते हैं। ये एक गवाही है कहना उठे नहीं ना टाइम देता जिते तेरा टाइम वेस्ट हो है। ये छोटी छोटी गवाहियां ईमान को मजबूत कर देंगे। तो आप ये आजमा कर देख लेना एक दिन का पांच मिनट भी कोई नहीं मुश्किल। वो कहते पांच मिनट तूने मुझे उधर नहीं दिए या दस मिनट नहीं देते और घंटा थे फंस, ये पक्की बात है आजमाई हुई बात है। क्योंकि दौर की कहना है खुदा अपने तालबों को आमीन। तो इसलिए हम कहते हैं पिताई कर लो। अगर आज आपने इधर एक घंटा दो घंटे तीन घंटे हाड़ियों बातें बड़ी लगती है एक बजे शुरू होती है सात अठ बजे तक चलती है वो मैं पूछते ने जो नाल के काम पांच बजे मैं पहुंचता हाँ लंबी इबादत करके आना मैं यार तो पता मैं लोग तो इसलिए खुदा बरकतें देता है अगर हम उसके पास जितना भी टाइम देते हैं ना वो हमारी एक हफ्ते की जो लाइफ है ना आगे मिलनी होती है उसको बहुत क्लियर कर देता है। क्लियर 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 करता करता ना आपके सारे काम ऐसे होते हैं कि आपको थकावट भी नहीं होती और जुमे को आप फ्रेश होकर आते हैं। ईमान से देखेंगे अब क्या है तलवार खरीदने का मतलब यानी कि आज मैं कह देता हूं मोबाइल के बीच टेक्नोलॉजी मोबाइल के बीच में है आपकी ब्रैकेट वो बाइबल सब कुछ लेकिन खुदा ने इस कलाम के लिए कहा है नेक्स्ट जिना जिना को है ना वो ले आया करो तो कोई भाव नहीं जी है जो नहीं तो मोबाइल से भी मैं कोई भी ऑब्जेक्शन करना मोबाइल से भी देख सकता कोई मुश्किल नहीं मोबाइल में भी आप देख सकते हैं लेकिन जब ऐसी किताबां लेके स्कूल जाने हैं वो नहीं भारियां लगदियां बाइबल चुकदे हम पाठ लगदा इसके लिए हम देखेंगे। तो
तो खुदा का शुक्र है कि खुदा जैसे भी कलाम को आपके साथ पेश कर रहा हूँ, ये खुदा की एक पेशिंग हुई थी कि यीशु मसीह आया। और इसी 10 आयत की 43 आयत देखेंगे, 43 आयत जो सुबह है, 10 बार पीमाल, 10 बार 43 जी, इस शख्स की सब शख्स की इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। आमीन। अब उस शख्स की यीशु मसीह की सब नबी गवाही देते हैं, मैं कल्ला नहीं दे रहा जी, मेरी पेशन के पीछे पड़ी है, सुना रहा आज गवाही दे रहा उस नबी की, उस खुदा की जिसके बारे में हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसकी राह प्यार करने के लिए कौन आया था? उसने क्या कहा था? एक बहुत मशहूर उसने बात कही थी, जोरदार तालियां डालता हूं, मैं उसके जूतों के तस्मे खोलने के लायक नहीं, लेकिन जब उसने यीशु मसीह ने दुनियावी बात किया, दुनियावी जिंदगी गुजारता एक काम शुरू करना था, 30 साल की उम्र में आकर उससे पहले ऐसा एक सवाल आया था, उस तो पहले कि थोड़ा खुदा सुता था ही दिराड़ी कमा दे सी, जो हमें उल्टे सीधे सवाल करते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बात करा दे सवाल की थी, एक दफा यीशु कश्ती में भी सोया था, ये भी सवाल आया था मेरे पास कि थोड़ा खुदा से सुता था ही तुम कहते हो, जबूर 121 में क्या कहते हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो जिनको ये खुदा का पाक कलाम मिलता है, पाक रूह मिलता है, वो उनका जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर यही बात हम ईमान रखते हैं कि सब नबी, सब लोग जितनों ने भी इसके कलाम की गवाही दी है वो सच्ची है और सच पर मोहब्बत और खुदा उसको चकला नहीं सकता, बल्कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया है। अब 24 दिसंबर की तैयारी कीजिए ताकि हम भी उसके बेटे यीशु को इज्जत और जलाल दें। क्या नहीं करना कि उन्होंने सवाल किया गया ही यार क्रिसमस की है, किसी ना किसी इवेंट है, मसीहों का इवेंट है, हम उसको मनाते हैं उनके साथ, और जब हम उसको मनाते हैं उनके साथ और उनको गैर कौम वालों को अपने घर में भी लेकर आते हैं, अपने चर्चों में भी लेकर आते हैं और अपने ही भाइयों का नंगा कर देते हैं कि ये हम ऐसा क्रिसमस मना रहे हैं, अभी भी ऐसा मनाया जाता है। और हमें हम खुश नसीब लोग हैं, हम क्या है खुश नसीब लोग, खुशी नहीं है हम क्या है खुश नसीब लोग, क्योंकि खुदा ने अपने चरणों में आने का मौका हमें, हम अच्छे हैं और अफजल हैं, शाही कहानों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, खुदा पर फख्र करने वाले हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं और खुदा के बेटे यीशु को ईमान से तकते रहेंगे। ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा मदरसा करने में काबिल, और जैसे ही उसकी हम खुशियां मनाते हैं वो हमारी कमाई में, हमारे कारोबार में, हमारी फैमिली में जो भी होता है, फैमिली में मुश्किलात होती है, कारोबार में बरकत देता है और कमाई में भी, नौकरी को भी बहाल रखता है और आपको भी बहाल रखेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि ये खुदा का बदल है और खुदा का बंदा भी कहता है कि तुम खुदा के मकदस, तुम खुदा की हैकल, तुम खुदा के चर्च, तुम खुदा की बरकत हो, आप जहां भी करते रहे आपके वसीला से पता चलना चाहिए कि आप मसीही हैं। हम नामी मसीही ना हो, हम लेबली मसीह ना हो, बल्कि हम यीशु की शक्ल लेकर चले, यीशु का कलाम खिलाने वाले बने, यीशु के साथ चलने वाले बने और यीशु को कहें कि तू ही सदा किया हुआ पड़ रहा है जो इज्जत तमजीद और अशमत के लायक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये बरकत अता की है। नेक्स्ट यही सिलसिला आगे चलता रहे। आमीन।